एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बिलीव मीना गारी। मैं हूँ मीना और गाइज आज जो हम अपने इस वीडियो में हेलो आई मेकअप करने वाले हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है गाइज, अगर आप वीडियो पर पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पूरी देखना। अगर आपको अच्छी लगती है और थोड़ी सी भी हेल्पफुल रहती है तो लाइक कीजिए मेरी वीडियो को और शेयर कीजिए अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ। तो अब बिना देर के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी लॉन्ग वाली वीडियो होगी तो चाय वाय लगे बैठ जाओ। तो सबसे पहले हम अपना स्किन प्रेप करेंगे। मैंने जो फेस है वो अपना क्लीन कर लिया था, अभी मेरे फेस पे कुछ भी नहीं है तो मैं यहाँ पे प्लम का जो है सीरम यूज करूंगी। एक्चुअली इसमें जो है ये मेरी स्किन को सूट करता है एंड आप कोई सा भी सीरम यूज कर सकते हो, तो जस्ट लगा लेना है। स्किन अच्छे से प्रेप नहीं होता है तो स्किन में ब्रेकआउट्स होते हैं, इसीलिए हमारा जो मेकअप है वो पैची हो जाता है एंड देन अच्छे से ब्लेंड नहीं होता है और ऑक्सीडाइज भी कर जाता है अगर आपका स्किन प्रेप अच्छे से नहीं है। उसके बाद मैं पोन्स की जो है विंटर क्रीम अपने फेस पे लगा रही हूँ। एक्चुअली आजकल मेरी जो स्किन है ना वो बहुत ज्यादा ड्राई हो रखी है, तो यहाँ पर मैंने इतना ले लिया है एंड देन मैं अच्छे से प्रेप कर लूंगी। मेरी स्किन जो है वो अच्छे से प्रेप हो गई है। Yes. आज जो मैं आई लुक करूंगी वो है यू कैन बी का प्रिटी ऑल सेट पैलेट यूज करूंगी। यस Yes, और इसका बाय लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी कि मैंने इसे कहाँ से परचेज किया है। लुक एट द पैकेजिंग गाइस, ओ माय गॉड, सो लग्जीरियस एंड कितना प्यारा प्रिटी लगता है। एंड आपको यहाँ पर जो आप ओपन करोगे तो आपको यहाँ पर 86 कलर मिल जाएंगे गाइस, 86, कैन यू बिलीव। यहाँ पर मैं फॉरएवर 52 का फाउंडेशन यूज करूंगी। जो मेरा शेड है वो है, मेरा जो शेड है ये है 05। होप यू कैन, आप शेड नेम भी देख सकते हो एंड देन नंबर भी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मैं जस्ट थोड़ा सा ही लूंगी और अपनी फिंगर के हेल्प से मैं पहले डॉट डॉट करके अप्लाई कर लेती हूँ। फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए मैं यहाँ पे जो ले रही हूँ ये है ड्यू केयर का 13 नंबर ब्रश, जो कि है फाउंडेशन ब्रश। तो हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ये जो फाउंडेशन है वो हाई कवरेज फाउंडेशन है गाइस। मैंने जस्ट इसकी वन पंप ली है, पूरा जो प्रेस करके वन पंप निकलता है। मैंने ज्यादा नहीं लिया है क्योंकि हम थोड़ा आईज पे आज वर्क करेंगे, बट स्टिल अगर आपको ज्यादा पिगमेंटेशन है यानी जो विजिबल होती है तो आप करेक्टर यूज कर लें, मोस्टली इससे हाइड हो जाता है। कैन यू सी गाइस कितना इवनली ब्लेंड हुआ है। यस Yes, अच्छा प्राइमर वाला पार्ट स्किप हो गया था, तो आप प्राइमर जरूर लगाइएगा स्किन केयर करने के बाद, देन प्राइमर एंड देन फाउंडेशन। ओके यहाँ पे जो कंसीलर मैं यूज कर रही हूँ वो भी फॉरएवर 52 का ही है और जो मेरे शेड है वो है हेयर्स 03 करके है काइंड ऑफ। एक्चुअली ये थोड़ा सा एक शेड डार्क है मेरे स्किन से, बट कोई नहीं, कोई इशू नहीं है, हम इससे काम चला लेंगे। इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी है गाइस, काफी स्मूथ है इसका टेक्सचर एंड देन इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी है। ऐसा इवनली ब्लेंड हो गया। तो मैंने यही बताया था गाइस कि अगर आप अच्छे प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपका जो मेकअप है वो अच्छे से निखर के आएगा और आपको ज्यादा उससे उसको बिल्ड करने के लिए ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। अपने फेस को मैं सेट करूंगी एंड मैं फॉरएवर 52 का लूज पाउडर यूज कर रही हूं। आप दोनों साइड में डिफरेंस देख सकते हो, इधर मैट हो गया है थोड़ा सा एंड देन इधर वाला थोड़ा शाइनी है। अब मैं यहां पर अपनी आईब्रोज फिलअप कर लेती हूं एक बार और यहां पर मैं स्विस ब्यूटी का पैलेट यूज कर रही हूं और उसमें से ये डार्क ब्राउन शेड ले रही हूं फिलअप करने के लिए। हेयर्स आईब्रोज भी फिल हो गई हैं, कितनी मैंने ज्यादा ड्रामेटिक नहीं रखी है, जस्ट नेचुरल रखी है मैंने। नहीं और यहाँ पर मेरा डेजलर का ब्रोंजर है, मैं इसी से अपना फेस कॉन्ट्रोल करती हूँ। इसमें और भी शेड्स अवेलेबल हैं तो आप वो यूज कर सकते हो, मतलब अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग अपना शेड चूज कर सकते हो।
ब्लश के लिए जो मैं यूज कर रही हूँ वो है एन वाई बे का, जो शेड है वो है नो स्काईलाइन सनसेट, ये कोरली ऑरेंज पीची सॉर्ट ऑफ ऐसा कलर है, बहुत ही प्रिटी है। और आप इसकी कंसिस्टेंसी को अपने हिसाब से बिल्ड कर सकते हो। हाइलाइटर के लिए मैं शुगर का जो है वो 3-1 फेस पैलेट यूज कर रही हूँ। इसमें का शैम्पन काइंड ऑफ जो कलर है वो बहुत ही प्रिटी एंड सटल ग्लो देता है। कैन यू सी, मतलब जिनको एकदम नेचुरल और सटल ग्लो चाहिए वो इस पे जा सकते हैं। तो यहाँ हमारा फेस मेकअप कंप्लीट हो गया है, अब हम चलेंगे आईज की तरफ। और आईज के लिए सबसे पहले मैं बेस सेट करूंगी। फेस को हमने सेट कर लिया, आप देखेंगे एकदम मॉवेश एकदम लाइट कलर का मैंने शेड उठाया और उससे मैंने बेस सेट किया है। यहाँ पर मैंने डार्क वॉयलेट कलर उठाया है एंड देन दिस काइंड ऑफ, और ऐसे फ्लैट छोटू से फ्लैट ब्रश में, और अपने आउटर वी पे मैं इसे प्लेस करूंगी। कैन यू सी द पिगमेंट, अब हम इसे ब्लेंड करेंगे दिस काइंड ऑफ ऐसे ब्रश से छोटू से। और हमारा आप जो ब्लेंडिंग करने के लिए आप मेथड यूज कर सकते हो, एक विंडशील्ड एंड दिस काइंड ऑफ, और दूसरा सर्कल मोशन में, ऐसे सर्कल मोशन में करते हुए। और अगर आप सर्कल मोशन में करते हो, अप करते हो, इन करते हो, कलर को अगर स्प्रेड करना है तो आउटवर्ड में ऐसे से करेंगे, और उसको इन में करना है तो अंदर की तरफ उसका सर्कल में पुश करेंगे जो कलर होगा। कैन यू सी, आप जो ब्लेंडिंग देख रहे हो कैसा है, उसी कलर से हम अपनी लोअर लैश पे अप्लाई करेंगे। कैन यू सी, यहाँ पे मैंने स्मच कर दिया। और अगर आपको कलर की जो पिगमेंट है वो थोड़ी कम लग रही है तो आप उसको थोड़ा सा ऐसे देन प्लेस करके उसको ऐसे और उसी ब्रश से अंदर की साइड ऐसे स्मच कर सकते हो। जब भी आप डार्क कलर से प्ले करें तो मेक श्योर रहें कि आप उसको स्प्रेड ना कर दें, हमेशा एजेस को क्लीन रखें। हेयर्स मैंने अपनी आईज को जो है फिनिश कर लिया है, होप यू कैन, मतलब बोथ आईज आर सेम। तो अगर आपको कुछ लगे कि अगर आईज की ब्लेंडिंग सेम नहीं है तो आप उसको अच्छे से बिल्ड कर सकते हो। और हम ये जो ये कलर हम प्लेस कर रहे हैं वो विदाउट कंसीलर है, मैं कंसीलर वाला अपनी नेक्स्ट वीडियो में, एंड देन आप कमेंट करिएगा कि आपको देखना है कि नहीं, मैं जरूर बनाऊंगी इस पे वीडियो। अभी हम विदाउट कंसीलर प्लेस कर रहे हैं कलर को। मैंने पर्पल कलर लिया है, आप कोई सा भी कलर चूज कर सकते हो, वॉट एवर, ब्लू, ग्रीन, पिंक, मैरून, रेड, एनी काइंड ऑफ कलर आप चूज कर सकते हो, मैंने बस दिखाने के लिए ये किया हुआ है। कलर को प्लेस करने के बाद उसके बाद आप एजेस जो है वो क्लीन कर लें। यहां पर अब हम आई मेकअप जो है हमारा अपना कंप्लीट करेंगे। तो यहां पर पहले लैशेस को कर्ल कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं शुगर का मस्कारा यूज कर रही हूँ और ये है अपटाउन कर्ल लाइटनिंग मस्कारा। आप चाहें तो काजल भी लगा सकते हैं एंड देन लाइनर भी, विंग ड्रॉ कर सकते हैं।
मुझे ये ऐसे ही अच्छा लग रहा है तो मैं यहाँ पर फॉल्सेस अप्लाई कर लूंगी। हे एवरीवन, यहाँ पर मैंने लैशेस अप्लाई कर लिए हैं, ज़्यादा वो नहीं है, नॉर्मल है काइंड ऑफ। यहाँ पर मैं मेकअप सेट करूंगी और मेकअप सेट करने के लिए मैं यहाँ पर फेसिस कैनेडा का जो है अल्टीमेट प्रो फिक्सर यूज कर रही हूँ। हेयर यू कैन सी, इसका मैंने रिव्यू भी शेयर किया था। ये बहुत ही अच्छा एंड लॉन्ग लास्टिंग और आपके मेकअप को एक मैटिक फिनिश देता है, काफी मुझे पसंद है ये वाला। मैं यहाँ स्टे क्वर्की की लिपस्टिक यूज कर रही हूँ। एंड हेयर द फिनिश लुक गाइस, सारा जो लुक है कितना प्यारा, प्रिटी आई कलर बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत अच्छे से निखर के आया है। नेक्स्ट टाइम हम कंसीलर से कंसीलर प्लेस करके एंड देन शिमर प्लेस करेंगे और वो वाला लुक भी देखेंगे कैसा है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे ब्लेस, बाय।